नहीं पसंद, मैं क्या करूं, मेरा कसूर बताए। मैंने उनसे बोला था कि मैंने नहीं इससे शादी करनी, कहते कि तो फिर तुम बताओ तुम्हें कोई पसंद है। मैंने कहा पसंद भी नहीं, कहते फिर शादी तो करनी है ना, इसी से करो। अभी होटल में तुम अकेली रहती हो, कोई तुम्हारे साथ कुछ क्या पता कुछ बुरा करे। नहीं, मैंने उसके लिए रखी हुई है, मैंने रखी हुई है, मैंने अच्छा गन रखी हुई है मैंने। हाँ ना, अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ ना, कुछ कुछ। और मेरे जो बाबा है ना, उन्होंने मुझे कराटे भी सिखाए हुए हैं, इसीलिए मैं ट्रेन होके भागी। क्या करते हैं, शादी करने आई हूँ और क्या करने। किसके साथ शादी कर, दूल्हा तो है नहीं तुम्हारा। लो तो वो मेरी शादी थी ना, तो वो जो शादी जिससे हो रही थी ना, तो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं फिर ना अब सोच रही हूँ कि मैं भाग जाऊँ। मुझे दूल्हा कैसा चाहिए, दूल्हा चाहिए खूबसूरत होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और मतलब जो क्वालिटीज होती है ना, अब मैं डिटेल में जाऊंगी तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। है तो जाहिर सी बात है, शादी के बाद जब मैं उससे शादी कर लूंगी तो मैं वापस मम्मा को बताऊंगी, मम्मा बाबा को। ठीक है, मतलब कि मेरा पसंद जो था वो अच्छा था। हाँ, तो वो बताऊंगी ना कि देखो मम्मा, अब देखे हम भाग रहे हैं, हमारे पास रास्ते में किराया ही ना हो पाए, फिटे मुँह है हमारे। इसीलिए पैसे मस्त है। फर्स्ट तो बोले ना, मैं हालांकि सबको कहती हूँ आप उर्दू में बात करें, आप उर्दू में बात करें, जब तक तो मैं ये कहती ना दिल को सुकून नहीं मिलता। अब वापस जाऊँगी पता नहीं क्या हाल होगा, मम्मा से बोले मम्मा पश्तो बोलो ना यार। नहीं अभी तक नहीं ना मिला, तो मैं सोच रही थी कि बाहर निकलूँ जरा देखूँ, कोई पसंद आ गया तो ठीक है, वरना फिर क्या माँ बाप के चित्तर खा के वापस उसी से शादी कर लूँगी। देखो जो माँ बाप मतलब बच्चों के लिए पसंद करते वो अच्छा होता है। हाँ ये तो है। तो फिर आप क्यों भाग के आई। मुझे नहीं पसंद आ रहा था, अब माँ बाप ने थोड़ी रहना साथ, मैंने रह रहना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कदरमनो मोरदरी काटलंग के माँ फरवास टी वी लखवा मौजूद है माँ पर बालाकोट के दिल तरह था यो नावे मेला उस पति होटल की नुमा जी दी सर दो खबर की आवाज़ है वहाँ माँ चेहरा खबर सर की दालत सल रहा गले सकई दिलता। हाँ दी सर दो सलो खबर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। ठीक, आप सुनाए। क्या नाम है आपका। रुबाब शाह। रुबाब शाह। हाँ। आप ऐसी मतलब सजी सवरी हो, इतनी स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, दुल्हन के लिबास में हो, अकेली सूटन में क्या कर रही हो तुम। क्या करते हैं, शादी करने आई हूँ और क्या करने। किसके साथ शादी कर, दूल्हा तो है नहीं तुम्हारा। लो तो वो मेरी शादी थी ना, तो वो जो शादी जिससे हो रही थी ना, तो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं फिर ना अब सोच रही हूँ कि मैं भाग जाऊँ। तो मतलब शादी के दिन भाग गई, ये तो बहुत बुरी बात है। ये क्या बुरी बात है, कुछ नहीं होता, मतलब जो पसंद है वो वही करोगी। अब मैं ढूंढूंगी ना, अब मुझे अभी तक मिला नहीं वैसे कोई, ढूंढती हूँ कोई अच्छा सा पसंद का दूल्हा। हाँ, नहीं मिला। नहीं अभी तक नहीं ना मिला, तो मैं सोच रही थी कि बाहर निकलूँ जरा देखूँ, कोई पसंद आ गया तो ठीक है, वरना फिर क्या माँ बाप के चित्तर खा के वापस उसी से शादी कर लूँगी। देखो जो माँ बाप मतलब बच्चों के लिए पसंद करते वो अच्छा होता है। हाँ ये तो है। तो फिर आप क्यों भाग के आई। मुझे नहीं पसंद आ रहा था, अब माँ बाप ने थोड़ी रहना साथ, मैंने रह रहना, तो फिर ये बात है सारी। अब वो देखे ना मैंने जोगर भी पहने, मैंने कहा भागने के काम आएंगे। मतलब जब भागोगी तो मतलब। हाँ ना, हील में कहाँ भागा जाना था। अभी भागूंगी यहाँ से, मैराथन रेस लगाऊंगी। हाँ। अभी होटल में तुम अकेली रहती हो, कोई तुम्हारे साथ कुछ क्या पता कुछ बुरा करे। नहीं मैंने उसके लिए रखी हुई है मैंने। क्या मतलब। उसके लिए मैंने, अब बैन ना हो जाए, गन रखी हुई है मैंने। अच्छा गन रखी हुई है मैंने। हाँ ना, अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ ना, कुछ कुछ। और मेरे जो बाबा है ना, उन्होंने मुझे कराटे भी सिखाए हुए हैं, इसीलिए मैं ट्रेन होके भागी हूँ। तो फिर दूर भागना चाहिए। इसीलिए तो। हाँ ना, ये बात है सारी, ये बात है। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि वापस घर जाओ, अपने घर। अच्छा। जो दूल्हा माँ बाप ने तुम्हें पसंद किया तो तुम तो उसकी शादी कर। मुझे नहीं पसंद, मैं क्या करूँ, मेरा कसूर बताए। मैंने उनसे बोला था कि मैंने नहीं इससे शादी करनी, कहते कि तो फिर तुम बताओ तुम्हें कोई पसंद है। मैंने कहा पसंद भी नहीं, कहते फिर शादी तो करनी है ना, इसी से करो। मैं कहा नहीं मुझे नहीं पसंद। अभी अगर इस होटल में इधर उधर कहीं देख लेते अगर कोई पसंद आए तो फिर तैयार तो मैं हूँ। दूल्हे के साथ उसको कैसे तैयार करोगे फिर। उसे क्यों करना है, दुल्हन तैयार होती है बस। दूल्हे भी को कपड़े पहनने पड़ते हैं, वो पता नहीं पगड़ी सी। नहीं ऐसे ही ठीक है, कोई मसला है। ऐसे ही दूल्हा चाहिए, जो भी मिला मतलब। जो भी नहीं, जो अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ
तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, मतलब मुझे दूल्हा कैसा चाहिए? दूल्हा चाहिए खूबसूरत होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और मतलब जो क्वालिटीज होती है ना, अब मैं डिटेल में जाऊंगी तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ये अमीर होना लाजमी है? तो अमीर होना तो लाजमी है ना। अब आप क्या चाहते हैं, घर से भागू भूखे नंगे के साथ? भूखे नंगे के साथ क्यों भागू मैं? तो जिंदगी तो गुजारनी है ना। हाँ। तो मतलब को पैसे चाहिए होते हैं ना, पैसे लाजमी होती है। लो अब देखें, मैं हम लोग जा रहे हैं, हैं तो जाहिर सी बात है शादी के बाद जब मैं उससे शादी कर लूंगी तो मैं वापस मम्मा को बताऊंगी, मम्मा बाबा को, ठीक है? मतलब कि मेरा पसंद जो था वो अच्छा था। हाँ, तो वो बताऊंगी ना कि देखो मम्मा, अब देखें हम भाग रहे हैं, हमारे पास रास्ते में किराया ही ना हो पाए, फिटे मुँह है हमारे। इसीलिए पैसे मस्त है, पैसे मस्त है। हाँ सही, अच्छी बात है, अल्लाह करे आपको अपनी पसंद का दूल्हा मिल जाए। बस करते हैं आप, व्यूवर्स का सच बता दें। क्या सच बता दें? मेरी मूवी की शूटिंग है, मैंने अभी शूट पे जाना है। क्या मतलब शूट पे जाना है? मैं ये कहानी जो आपको पूरी सुनाई है ना, ये फिल्म स्टोरी है। फिल्म स्टोरी है? हाँ। मैं समझा कि ना तुम बात क्या ये? नहीं, मैं आपको भगाऊ लगती हूँ, अल्लाह तबा। नई फिल्म की स्टोरी है और अभी मैं वही इंतजार में यहाँ बैठ के वो शूट पे जाने का कर रही हूँ। अच्छा, मतलब आप, हाँ, फिल्म में आपकी दुल्हन का सीन है? फिल्म में मेरी दुल्हन का सीन है और उसमें यही सिनेरियो ना कि वो लड़का मुझे नहीं पसंद और मैं भाग जाती हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा जरा स्टोरी चेप देते हैं कहीं। नहीं, स्टोरी तो वो अलग बात है। मतलब इस फिल्म में आपके सीन जो इस वक्त वो सामने गाड़ी भी तैयार खड़ी है दुल्हन की, तो मतलब इसमें तुम्हारा दुल्हन का सीन है? हाँ ना, दुल्हन हूँ ना मैं, मेरी शादी हो रही होती है एंड देन फिर मैं भाग जाती हूँ। तो ये वही फिल्म है जो शायद फिल्म प्रोडक्शन की के लिए बन रही है, वो चढ़ता खाने चढ़ता फकीरें? हाँ बिल्कुल वही फिल्म है। और असल ज़िंदगी में तो मैं तो अपनी मम्मा के बिना मैं सांस भी नहीं लेती, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। और ना सब जितने भी लोग यही देख रहे हैं, बहनों एवे दे पे हो मेहरबानी ताड़ी, नस के शादी नहीं करनी, मतलब अपनी माँ बाप की पसंद से करें, ठीक है? जो पसंद है उनको बोलें कि जाएं साढ़े घर वाले तो रिश्ता मंगो तो ब्याह करो, बस। मतलब जो माँ बाप पसंद करते हैं, जो माँ बाप पसंद करते हैं वही सही होता है। ये जितने भी लड़कियाँ हैं, जितने भी लड़के हैं छुप के शादियाँ करते हैं, नहीं शादी कर लो, जिंदगी फिर खराब होती है। शादी कर लो, शादी बहुत अच्छी बात है, सीधा डायरेक्ट शादी करो, लेकिन माँ बाप को रजामंद करो, उन्हें बताओ कि मेरी ये पसंद है, वो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपको पैदा किया है, वो ज़रूर आपकी सुनेंगे। अच्छा, जिस फिल्म की सीट पर हम मौजूद है चढ़ता खानी चढ़ता फकीरी, इसमें बहुत ज़्यादा कास्ट है, मतलब शाहिद साहब है, जहांगीर साहब है, असगर चीमा साहब है, इमरान, मतलब पश्तू फिल्मों के जितने भी स्टार हैं तकरीबन इस फिल्म में तकरीबन सारे मौजूद है। तो आपको कैसा, मतलब सब रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं? क्यों नहीं देते, वो कल वैलेंटाइन डे था, ये चॉकलेटों के देर इकट्ठे हुए मेरे पास आ ना। तो ये रिस्पेक्ट क्या, मतलब हम लोग तो बिल्कुल फैमिली की तरह है यहाँ पर, बिल्कुल फैमिली की तरह, मतलब मुझे तो फील ही नहीं होता कि मतलब मैं कहीं अलग जगह पे, मुझे तो ऐसा लगता है मैं तो अपने घर में हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हूँ। और इन्फेंट जहांगीर साहब तो इतना हंसाते हैं कि बिल्कुल ही फील नहीं होता कि मैं कहीं और बैठी हूँ, बहुत हंसाते हैं वो। हमारे जो आम पब्लिक है उनका ये ख्याल होता है कि यार ये तो पता नहीं पहाड़ों पे जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते होंगे, याशियाँ करते होंगे, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब फैमिली की तरह रहते हैं सब। बड़ी याशियाँ करते हैं बड़ी, अल्लाह तआला फैमिली की तरह बिल्कुल रहते हैं, मतलब जिस आप यकीन माने दुनिया की किसी जगह पर आप सेफ नहीं महसूस करते, घर में करते हैं। और मैं एक घर में सेफ महसूस करती हूँ और एक सेट पर, सेट पर हाँ, बिकॉज अभी मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं बिल्कुल ऐसी दिल जब आप लगा लेते हैं ना अपने प्रोफेशन से, तो फिर तो बस बिल्कुल आप दिल से काम जो भी करो तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। और बाकी आप ठीक हो तो दुनिया की किसी भी जगह पे भी चले जाओ ना, आप ठीक ही रहोगे, ठीक ही रहोगे, चाहे गलत इंसान के साथ भी बैठे हो ना, आप ठीक हो ना, आप सही हो, सब कुछ अपने आप में, अपने आप में। अगर तो आप गलत हो तो आप माहौल कोई असर नहीं पड़ता, अगर तुम सही हो तो तुम बुरे माहौल में बैठो उठो बैठो लेकिन कुछ असर नहीं पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, खुद सही रहना है, बस खुद को सही रखना है, हमें दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता, अगला जो मर्जी करे हम सही है ना, बात ख़त्म। माय बहन में कोई बात कर रहा है, माय बहन में कुछ कर रहा है, कोई स्कैंडल है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह देख रहे हैं ना, आप सही हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से।
इससे पहले आपने फिल्म पेखोर ज़माने में काम किया, उसमें आप अरबाज साहब की बहन की थी, करेक्टर था आपका, मतलब वो भी अच्छा करेक्टर था। दूसरी फिल्म आपको मिल गई, आपकी खुशकिस्मती, उसमें भी मतलब हीरोइन बन गई, तो कैसा महसूस कर रही है? अच्छा ही महसूस कर रही हूँ। इस उसकी भी कहानी बहुत अच्छी थी, इसकी भी स्टोरी लाइन अमेजिंग है। मतलब दोनों की अगर हम कहें ना, दोनों मूवीज़ की बेस तो वो रुबाब शाही है। वो तो रुबाब मरकजी करेक्टर है, आप है, इसमें भी आपका मरकजी करेक्टर है। देख नहीं है। और वो भी ईद पे दो फिल्में मेरी इकट्ठी चलेंगी। मुझे वो सब बता रहे थे कि तुम पहली ऐसी अदाकारा हो जिसकी दो फिल्में इकट्ठी चलेंगी और वो भी फिल्म की बेस। हाँ तो ये एक मुझे बड़ी खुशी चढ़ी हुई है। उसमें आपकी बहन का करेक्टर है, इसमें आपका हीरोइन बन, मतलब आपका करियर मतलब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। हाँ खुशकिस्मती की बात है। हाँ। नई एक्ट्रेस को कोई इतना बड़ा मतलब चांस नहीं देता। नहीं देता। हाँ सही बात है, लेकिन मैं एक्टर भी तो अच्छी हूँ। वो तो मेरे वर्गी फिर लभनी भी तो नहीं ना, हम लभ गए तो उतने अब ऊपर जाएंगे ना हम। हाँ। ऊपर नहीं, वो लेवल वाला ऊपर। हाँ मतलब पश्तो फिल्म में काम करके मज़ा आया? हाँ ना, क्यों नहीं आया मज़ा। अब कसम से मैं वही आज मम्मा को फ़ोन पे बता रही थी, मैंने कहा मम्मा जब मैंने वापस लाहौर जाना है ना, तो मैंने एक बात कहनी कि ये सब उर्दू की बोल रहे हैं, ये पश्तो क्यों नहीं बोल रहे। मतलब अब इतनी कानों को पश्तो सुनने की आदत पड़ गई है ना कि अब कोई उर्दू बोलता है तो वेर्ड लगता है। उर्दू क्यों कह रहे हैं, क्यों पश्तो बोले ना। मैं हालांकि सबको कहती हूँ आप उर्दू में बात करें, आप उर्दू में बात करें, जब तक तो मैं ये कहती ना दिल को सुकून नहीं मिलता। अब वापस जाऊँगी पता नहीं क्या हाल होगा। मम्मा से बोले मम्मा पश्तो बोलो ना यार। अगर हम आपको ऑफर करेंगे कि आप पिशावर आ जाओ मतलब फिल्म देखने या ऐसे कुछ, तो आओगी फिर? हाँ ना, क्यों नहीं आऊँगी। आऊँगी मैं तो पिशावर, अब मेरा दिल पिशावर में है। हाँ मैं ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। और इनफैक्ट मैं सो बहुत जल्द आने वाली हूँ। जल्द आने वाली? आपने मुझसे पिछली दफ़ा पूछा था ना आगे क्या करना है ज़िंदगी, मतलब आगे फिल्म्स के बारे में, तो देखे मैंने कर भी लिया। कितनी जल्दी, मैं फास्ट बच्ची हूँ मैं। तो शायद इसके बाद आपको मतलब टाइटल हीरोइन भी करेक्टर मिले, हो सकता है अल्लाह करे मिल जाए। आमीन। देखते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। आप बहुत शुक्रिया कदरमन होता और बापशा जी मुसर खबर है तेरे कड़े प्रिंक मोमो सर अलग शांति को सिर्फ जगह था पारा चेहरा में कुछ पब्लिक खुशहाल है चेहरा से किसी था नोदा सी खबर है फिल्म चरत खानी चरत फकीरी शूटिंग दी पदे के दा दे वक्त के दे ना भी करेक्टर दे अगर मखा मख गाड़ी दा शिवे दे सजाव शिवे दे दाम सजाव शिवे दा नो दी ना भी करेक्टर थी पदे वक्त नुमा जे लखन बहु की दी सर ना भी करेक्टर के इंटरव्यू की डेरा मजहब हो की नुदा फिल्म बा अख्तर ला राजी इंतज़ार करवाए।